हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारा एलजी साहब से ये गुजारिश है कि हमारी जो पेंडिंग केसेस है SRO 43 PHE के, वो हमारे हमारे हक में दे दी जाए, और कुछ नहीं है हमारी मांगे। हम चीफ साहब से इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी केसों को पूरी तरह करे, हल करे, बस बाकी इतना। देखो सर, ये जो SRO 43 का मसला जो है पिछले 5 सालों से पेंडिंग है। हमने कई बार चीफ साहब के पास गए थे, गवर्नर साहब के पास की भी हमने उसके नोट्स में भी लाए थे, मगर तब से आज तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हमने कई बार उनको बोला था ये जो SRO 43 है ये एक हमदर्द के बुनियाद पे ओनली PHE डिपार्टमेंट जो है PHE डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है और कई जगह पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पोस्ट थे उन्होंने पोस्ट भेजे थे SSB को, वो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने पोस्ट दिए थे SSB को। इस वक्त उनके पास पोस्ट अवेलेबल नहीं है, उस मकसद उसी तनाजुर की वजह से हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम हो, इसके साथ साथ हमें SRO 120 फॉलो करना पड़ता है, SRO 120 जो ये है कि हमें अभी अनमेरिड रहना पड़ता। देखो हमारे अभी कई लड़के वो है जो 40 साल के हुए हैं मगर अभी तक उनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है, 6 साल 7 साल से पेंडिंग है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो हर दिन कोई ना नए नए दावे करते हैं कि हमने कोई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नए नए ऑर्डर निकालते हैं, मगर समझ लिया हमें SRO 43 जो है हमारे जो अपने हक जो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आज हमने ये पहला प्रोटेस्ट किया और हमने आगे प्लानिंग ये किया, अगर हमारे साथ ये नहीं हुआ है आगे हम इसके बहुत खतरनाक इसके बुरे नतीजे होंगे गवर्नमेंट के साथ।